दोस्तों, आपको साजन का नमस्कार। आपका हमारी दुनिया में स्वागत है। दोस्तों, आप जैसा जानते हैं कि दुनिया का हर इंसान अपने जीवन में उन्नति करना चाहता है, लाइफ में हर कदम हर दिन आगे बढ़ना चाहता है। पर ऐसा क्यों होता है कि हम में से मात्र कुछ लोग ही जीवन में आगे बढ़ पाते हैं? क्या वजह हो सकती है? आपने कभी इस बात पर विचार किया है, या सिर्फ किस्मत के भरोसे, या ये सोचकर हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे कि सबका कर्ता धर्ता, बनाने वाला, बिगाड़ने वाला, देने वाला, लेने वाला, ऊपर वाला है, उसके आगे कितना भी जोर मार लो नहीं मिलने वाला, या मिल ही नहीं सकता। दोस्तों, ऐसी सोच सिर्फ वही इंसान रखता है जिसमें कुछ करने की हिम्मत या उत्साह नहीं होता। जो लोग हिम्मती, मेहनती और उत्साही होते हैं, वो किस्मत का और भगवान का एक्सक्यूज कभी नहीं देते। वो अपनी किस्मत अपने दिमाग, मेहनत से बनाना जानते हैं। दोस्तों, कुछ लोग तो भगवान के भरोसे बैठकर जिंदगी भर गरीब और असफल ही रह जाते हैं, और कुछ लोग जिंदगी में कभी कभी उन्नति कर जाते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं, मगर कुछ समय बाद वो फिर से नाकामयाब होने लगते हैं। उनके धंधे में या उनकी उन्नति में रुकावट आने लगती है। वो धीरे धीरे फिर उसी अवस्था में आ जाते हैं जिस अवस्था से वो आगे बढ़े थे। इसका कारण क्या है? कभी आपने जानने की कोशिश की है कि ऐसा अधिकतम लोगों के साथ क्यों होता है? अगर जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। इसका कारण है उत्साह की कमी। दोस्तों, उन्नति के लिए हमेशा उत्साहित रहना चाहिए, और उत्साहित रहना जरूरी भी है। यहीं पर ज़्यादातर लोग मार खा जाते हैं और सफल होने के बावजूद असफल होने लगते हैं, लाइफ में पीछे आने लगते हैं। अक्सर लोग शुरुआती दिनों में या सिर्फ कुछ ही समय के लिए उत्साहित रहते हैं, और जैसे जैसे उनका उत्साह खत्म होने लगता है, वैसे वैसे उनकी उन्नति खत्म होने लगती है। चाहे वो छोटा मोटा काम धंधे वाला हो या बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हो या फिर कोई कुछ और। जीवन भर उन्नति करना चाहते हो तो जीवन भर उत्साहित रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उत्साह खत्म तो काम में मन नहीं लगेगा, और काम में मन नहीं लगेगा तो ठीक से काम नहीं हो पाएगा, और काम नहीं हो पाएगा तो आपका धीरे धीरे लॉस होने लगेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आप पूरी तरह से खत्म। तो हमें बताएं कि यहाँ पर किस्मत ने या भगवान ने आपका नुकसान कहाँ से आकर कर दिया? बनाया या बिगाड़ा आपने ही। दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि एक ही काम को जीवन भर करते रहना एक दिन बोरियत का रूप ले लेती है। हम ऊब जाते हैं और लूज होने लगते हैं, जिससे हम लाइफ में आगे बढ़कर फिर पीछे आने लगते हैं। इसका उपाय तो यही है कि आप बोर होने से बचें, ताकि आपके काम धंधे पर इसका बुरा असर ना पड़ सके। तो इसका उपाय यही है कि काम वही करो जो कर रहे हो, सिर्फ काम करने का तरीका बदल दो। काम करने का तरीका बदलने से आपका काम भी होता रहेगा, और आप हमेशा हमेशा उत्साहित भी रहेंगे, और आपकी उन्नति भी होती रहेगी।
आप लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते ही रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद और विश्वास कर सकता हूँ कि आपको मेरी बातें ज़रूर समझ में आई होंगी और आप अब से किस्मत या भगवान पर इल्ज़ाम लगाने से पहले एक बार ज़रूर मेरी इस बात को याद करेंगे। तो दोस्तों, आपके लिए और आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको साजन का नमस्कार। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे और आप उससे लाभ उठाते रहें। तो चलते चलते आपको साजन का एक बार फिर से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।